हेलो गाइस, क्या आप जॉब की तलाश में हो या इंडिया या फॉरेन में जॉब करनी है? क्या आपको इंडिया में, फॉरेन में बिजनेस करना है? तो दोस्तों, अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो तो देर किस बात की, जल्दी से हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ला रहा है जॉब, वीजा और बिजनेस टिप्स। वीजा रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, जल्द ही हम देंगे आपके सवालों के जवाब। नाज़रीन, खुशखबरी का ऐलान ये भी है कि अगर आप फॉरेन में जॉब करना चाहते हैं या फॉरेन रिलेटेड मालूमात जॉब्स के ताल्लुक से हासिल करना चाहते हैं या वीज़ा के ताल्लुक से मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में NS जॉब वीज़ा एंड टेक्नो टिप्स इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। उसे आप ओपन कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नईम संजानवाला से कॉन्टैक्ट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी खास अहम खबरों पर नज़र। जी हाँ नाज़रीन, अपील करते हैं कि जो साथी अभी तक इस बेबाक चैनल से जुड़े नहीं हैं, वो फ़ौरन हमारे इस चैनल से जुड़ जाएँ। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें और उसके टच करने के बाद राइट साइड में घंटी बनकर आएगी, उसे भी टच कर दें, बेल को, और बेल के टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उसे भी टच कर दें। इस तरह यह होगा कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको फौरन मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, एक छोटी सी अपील जो हम रोज़ करते हैं कि ये चैनल कोई सरकारी चैनल नहीं है। दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि इसी तरीके से ऐसे बेबाक मुसलमानों के चैनल बाकी रहे, तरक्की करे और जुल्म नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहें, तो फिर आपका मदद करना बहुत ज़रूरी। आप मदद कीजिए चैनल की, स्क्रीन पर आप नज़र दौड़ाएँ हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर। ऐसे ही ऑनलाइन आप अगर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम नंबर भी दिया गया है। प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर करें। और हाँ नाज़रीन, आज जुमा है जी, और जुमा के रोज़ हमारा रात में बाद नमाज ईशा 9:30 बजे लाइव बयान होता है इसी चैनल पर, और आप ही लोगों की ज़िद पर यह बयान शुरू हुआ है और हज़ारों की तादाद में आप देख रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इस हफ्ते भी आज का जो रात का बयान है, बहुत अहम उनवान है आज के बयान का भी, कि आत्महत्या, खुदकुशी, अपने आप को मार देना, क्योंकि कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या कुछ बच्चे नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं इम्तिहान में, तो वो भी आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, या कुछ लोग ज़िंदगी से परेशान होकर सुसाइड कर रहे हैं, तो ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है। इस पर इंशाल्लाह आज रात में बहुत अहम बात होगी। ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली मेरे दोस्तों, बड़ी अहम है ये ज़िंदगी, इसलिए इसी अहम उनवान पर आज रात में बयान होगा। आप ख़ुद भी 9:30 बजे से लाइव आ जाइए और अपने दोस्तों तक भी ये पैगाम पहुंचा दीजिए। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी चौंकाने वाली खबर है। जी हाँ, चौंकाने वाली खबर ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एगोर मुसलमानों पर, जो चीन में, चाइना में एगोर बरादरी के जो मुसलमानों पर हिरासती कैंप और ट्रेनिंग कैंप के नाम पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं या उनकी मजहबी आज़ादी को जो छीना जा रहा है, तो इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कदम उठाया और चीन पर पाबंदी लगाने को मंजूरी दे दी, सिग्नेचर कर दिया। और हिरासती मराकज़ में जो ट्रेनिंग सेंटर के नाम पर चल रहे हैं, उनमें जो जुल्म ज़्यादती की जा रही है और जुल्म ज्यादती करने वाले जो अफसरान हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसी बात कह दी है। और कार्रवाई किए जाने पर बाकायदा दस्तखत कर दिया है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। तो अब मुसलमानों में ये चर्चा हो रही है कि आखिर ट्रंप कब से मुसलमानों की हमदर्दी करने लगे हैं। खैर नाज़रीन, आज की प्राइम न्यूज़ में आखिर ट्रंप इतनी मोहब्बत क्यों करने लगे हैं या इस खेल के पीछे क्या खेल है, इस पर इंशाल्लाह मैं आज की प्राइम न्यूज़ में बोल रहा हूँ, तो आपने वो प्राइम न्यूज़ भी ज़रूर देखना। नाज़रीन, बड़ी चौंकाने वाली और एक ख़बर इस वक्त आई है कि जो कुछ हालात कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में हुए हैं, इन हालात की वजह से भी बड़े असरात, ख़तरनाक असरात पड़ रहे हैं। अक़्वामे मुत्तहदा UNO ने यह बयान जारी किया है कि दुनिया भर में तकरीबन बेघर अफराद की तादाद 8 करोड़ तक पहुँच रही है, और जाहिर बात है कोरोना की वबा की वजह से जो महामारी फैली है और जो बिज़नेस, कारोबार,
तिजारत ख़त्म हुआ है, उसने भुखमरी को भी बे इंतहा बढ़ा दिया है। अक़वामे मुत्तहदा ने गुज़िश्त कल यानी जुमेरात के दिन एक ऐलान करते हुए ये बताया कि दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा तकरीबन 8 करोड़ अफराद पर, यूँ समझिए कि जो 8 करोड़ अफराद है, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और जबर के सबब अपने घरों से नकले मकानी पर मजबूर हो गए हैं, यानी अपना गांव, अपना घर, अपना इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और दूर दराज मकामात पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अक़वामे मुत्तहदा के मुताबिक गुज़िश्ता एक दहाई यानी इन 10 सालों के अंदर बेघर होने वाले अफराद की तादाद में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ और अब ये इजाफा 8 करोड़ तक पहुँच रहा है। ये तो बेघर अफराद का मामला है। ऐसे ही कोरोना की वजह से जो जदीद नए हालात पैदा हुए हैं उसमें भुखमरी का आंकड़ा भी ज़बरदस्त दस्त बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि मुल्क के शाम में खाना जंगी को ख़त्म करने के लिए, खाना जंगी के खात्मे के लिए अमेरिका जद्दोजहद कर रहा है, कोशिशें कर रहा है। जी हाँ, अमेरिका जहाँ पर भी कोई माहौल ख़राब होता है, जंग होती है, चाहे जैसे मिसाल के तौर पर भारत और चाइना का मामला हो तो अमेरिका कूद पड़ता है कि मैं बीच में आकर बात कराने को और बीच में सालिसी का किरदार अदा करने को तैयार हूँ। तो ऐसे ही रात दिन पहले तो वो किसी के ना किसी को धमकी देता है और दुनिया का पुलिस बनने की कोशिश करता है और सबके बीच में कूद कर बीचवा बनने की कोशिश करता है। तो अब शाम की भी खबरें आ रही है कि अब वो शाम में खाना जंगी के खात्मे के लिए कोशिश कर रहा है। हालांकि खुद के मुल्क में कितनी खाना जंगी है, लोग इतने छिड़े हुए हैं ट्रंप पर के ट्रंप के खिलाफ जब वो आंदोलन कर रहे हैं तो ट्रंप को जमीन में छुपना पड़ रहा है, तो अपने मुल्क के हालात को सुधारने को तैयार नहीं, लेकिन जहां कुछ हुआ तो यह पहुंच जाता है, मैं दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश करता हूं। तो ऐसी खबर शाम से आई है कि अब शाम में जो खाना जंगी है उसके खात्मे के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है और बशार अल असद हुकूमत पर सख्त तरीन पाबंदियों का नफाज कर रहा है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की जानिब से आयद ताज़ा पाबंदियों में 39 कंपनियां और बशार अल असद और उनकी बीवी समेत कई अफराद को निशाना बनाया गया है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने बशार अल असद और उनकी बीवी को जंग से नफा कमाने वाला खानदान करार दे दिया और माइक पोम्पियो ने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से शाम पर पाबंदियों से मुतालिक दस्तखत शुदा कानून के मुताबिक नई पाबंदियों का ऐलान करते हुए कहा कि नई पाबंदियां बशार अल असद पर माशी और सियासी दबाव बढ़ाने की शुरुआत है जबकि मजीद इकदाम और किए जाएंगे और यह भी कहा कि हम उस वक्त तक पाबंदियां बढ़ाते जाएंगे जब तक कि बशार अल असद और उसकी हुकूमत शाम की आवाम के खिलाफ अपनी गैर जरूरी और बदतरीन जंग खत्म न कर दे। नाज़रीन, वो कहावत आपने सुनी होगी कि घर का भेदी लंग का ढाए या फिर इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी हाँ नाज़रीन, अमरीकी सदर के जो कौमी सलामती के साबिक एक्स मुशीर थे, एडवाइजर थे जॉन बोल्टन, उन्होंने एक नई अपनी किताब लिखी है और इस किताब में ट्रंप की सारी पोल खोलते हुए दावा किया कि सदर ट्रंप आइंदा इलेक्शन में अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए चीनी सदर शिन जिनपिंग से उन्होंने मदद मांगी थी। अमरीकी ज़राए अबलाग में इस किताब को इशात से पहले मंजरे आम और पब्लिक और मार्केट में आने से पहले पढ़ लिया गया और उनके मुताबिक जॉन बोल्टन का कहना है कि सदर ट्रंप चाहते थे कि चीन अमेरिका से ज़रई पैदावार खरीदे। इसके अलावा जॉन बोल्टन ने इस किताब में यह भी लिखा है, दावा किया है कि सदर ट्रंप को हैरानकुन हद तक इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि व्हाइट हाउस को कैसे चलाना है। ट्रंप इंतजामिया की कोशिश है कि वो इस किताब की इशात को, प्रिंटिंग को, छपने को और मार्केट में आने को रोक दें, जिसके लिए उन्होंने यानी जिसके लिए उन्होंने अदालत से रुजू भी किया है। अब क्या इस किताब की इशात रोकी जा सकती है? 577 पेजेस पर मबनी जॉन बोल्टन की इस किताब का नाम द रोम वेयर इट हैपन यानी वो कमरा जहां सब हुआ, ये इस किताब का नाम रखा गया है और 23 जून से ये मार्केट में आ जाएगी। मगर गुज़िश्ता 2 दिन पहले यानी बुध की शाम ट्रंप मैनेजमेंट ने इस किताब को रोकने के लिए हंगामी बुनियादी तौर पर अदालती हुक्म हासिल करने की कोशिश की है ताकि अदालत से इस किताब पर बैन लगा दिया जाए।
नाजरीन, वो सऊदी अरब जो कोरोना की वजह से काफ़ी यूं समझिए कि तकलीफ़ों का शिकार सऊदी अरब भी हुआ है, और वहाँ पर भी यूं समझिए कि लॉकडाउन बड़ा लंबा बड़ा तवील चला है। अब खबरें आ रही है कि सऊदी अरब का अपने मुल्क यानी सऊदी में सियाहती सरगर्मियाँ टूरिज़म एक्टिविटीज़ जल्द बहाल करने का फैसला सामने आया है। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से अपने सियाहती सरगर्मियों को भी रोक दिया था, मगर अब बतदरीज स्टेप बाय स्टेप वो सारी एक्टिविटीज खोलने का फैसला किया है। सऊदी वजीर सियाहत अहमद अल खतीब ने एक बयान में कहा है कि कोरोना वबा की वजह से मुतासरा इक्तसादी और सियाहती सरगर्मियों को इस महीने के यानी शव्वाल के आखिर तक बहाल कर दिया जाएगा। बुध को अल अरबिया टीवी चैनल से बात करते हुए वजीर सियाहत ने कहा कि मौजूदा इशारे मस्बत हैं यानी अच्छे हैं, यही वजह है कि सऊदी अरब ने इस महीने में मौसम सरमा में सियाती प्रोग्राम की बहाली का फैसला किया है।